हेलो जी। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली आज जो है वो वड़ा पाव पार्टी है। मतलब आज सबने ये डिसाइड किया हुआ है कि वड़ा पाव खाना है, और अगर आप मुंबई में हैं तो वड़ा पाव पार्टी खास तौर तो बारिश के मौसम में होनी चाहिए। तो हमने कहा अगर हम बना ही रहे हैं तो एक काम करते हैं, कैमरे रोल कर देते हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार, कैमरे हो चुके हैं रोल और हम वड़ा पाव पार्टी करते हैं। कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी, वड़ा पाव पार्टी करने के लिए आपको चाहिए वड़ा और पाव, और वड़ा तो बनाना पड़ेगा ना, पाव चाहे रेडीमेड ले आओ। हाँ, मैंने क्या ना, बेसिकली क्या है, आजकल मुंबई में हर किस्म का वड़ा पाव चल रहा है। चीज़ वड़ा पाव, सेजवान वड़ा पाव, सिर्फ वो जो क्रिस्पी फ्राइज़ जो होती हैं उसका वड़ा पाव। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, सारी दुकान आज लगा देता हूँ। हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि वड़े पाव के साथ क्या क्या किया जा सकता है। पंजाबी में कहते हैं ना, घुग्गी किदां कमाउणी है, ठीक है। तो वड़ा पाव जो है उसमें हम वड़े और पाव के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि बदतमीज़ी नहीं करते हम खाने के साथ, राइट। कोशिश करते हैं कि बदतमीज़ी ना हो। तो उसकी जो सराउंडिंग चीज़ें हैं ना, वड़ा पाव के सिवाय जो सराउंडिंग चीज़ें हैं उनके साथ थोड़ी छेड़छाड़ करेंगे, ताकि आपको अलग अलग आइडिया लग जाए। तो हरी मिर्च जो है दो किस्म की ले सकते हैं, एक तो ये मेरी तरह लंबी और डरावनी लेकिन इसका दिल जो है मेरी तरह बिल्कुल नाजुक है, और दूसरी ये जो है दिखने में छोटी है लेकिन बहुत खतरनाक है। बेसिकली जितनी गाढ़ी मिर्च होगी अमूमन उतना ज़्यादा शार्पनेस होगी उसकी, और जितनी स्किन उसकी पतली होगी वो उतनी ज़्यादा शार्प होगी, और जितनी लाइट मिर्च होगी उसकी स्पाइसीनेस उतनी कम होगी। अब मैं अब मिक्स कर लेता हूँ, थोड़ी तीखी और थोड़ी नॉट सो तीखी, नमक। तो बेसिक जो है एक महाराष्ट्रन ठेचा बनाना है। ठेचा मतलब एक रफ चटनी जो कि कोल्हापुर में या कोंकण में बनती है, बहुत बेसिक चटनी होती है। अगर थोड़ा सा जीरा डालना चाहें तो जीरा डाल सकते हैं इसके अंदर, बट ज़्यादातर जगह पे जिंजर नहीं पड़ता है। अगर आप डालना चाहें जिंजर, नॉर्थ में बना रहे हैं हम लोग को जिंजर की आदत ज़्यादा होती है, तो थोड़ा जिंजर डाल लें, ज़्यादा जिंजर नहीं। द प्राइमरी फ्लेवर इज़ गार्लिक एंड ग्रीन चिली। अब देखिए, कायदे से पीनट ऑयल, लेकिन अगर कायदा नहीं है तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट क्लासिकली पीनट ऑयल। इसके मज़े वही हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, पीनट, ग्रीन चिल्ली और गार्लिक का, ये कॉम्बिनेशन इज़ नेक्स्ट लेवल। जैसे ही तेल गर्म होगा उसमें जाएगी राई, बारीक वाली राई यूज़ करें, कृपया मोटा वाला सरसों ना यूज़ करें। करी लीव, थोड़ा सा कड़ी पत्ता बाद में डाल रहा हूँ फ्रेशनेस के लिए। मैं हमेशा क्या करता हूँ, 70% कड़ी पत्ता पहले और 30% कच्चा कड़ी पत्ता डालता हूँ। पानी वाली चीज़ डालने के बाद ताजगी बड़ी अच्छी आती है, फ्रेशनेस बड़ी अच्छी आती है। अब ये गार्लिक को ना एकदम वो पंजाबी स्टाइल ब्राउन नहीं करना, ठीक है, हल्का सा बस गार्लिक पे रंग आया, गैस कर दी धीमे, और उसके बाद कुछ नहीं, फिर बाकी का मामला। हल्दी, थोड़ी सी मिर्च हल्दी का रंग बेटर करने के लिए, और कुछ नहीं डालना जी, हल्का सा हल्दी को भून लेना है, और कुकिंग रोकने के लिए बस 2-3 बूंद पानी, ताकि मसाला पक जाए कुकिंग रुक जाए। बस इसके बाद जी पटेटो, बटाटा। मैंने पहले भी ये कहा हुआ है कि देखिए, कहने को वड़ा पाव हमारा है लेकिन अगर ध्यान से देखें तो आलू कौन लाया, पोर्चुगीज। पाव कौन लाया, पाव, पोर्चुगीज। तो कहने को पोर्चुगीज बर्गर है, कहने को मुंबई की डिश। अब इसमें ना धनिया पाउडर नहीं डालना, मुझे पता है सबका दिल कर रहा है कि रणवीर थोड़ा धनिया पाउडर डाल दे, बट हर चीज़ में वो पंजाबी बना डालना ज़रूरी नहीं होता ना। नाइस। अच्छा, मेन चीज़ क्या है कि गैस बंद कर दी है मैंने, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पकाना नहीं है, आलू को ऐसे डाल के और भूनना नहीं है, हाँ वो जैसे बर्गर पैटी की फीलिंग बनाते हैं वो नहीं करना है। आलू कच्चा होना चाहिए, जो तड़का है वो पका होना चाहिए, क्योंकि आलू जब दोबारा फ्राई होगा ना तो बाकी के फ्लेवर्स ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाएंगे उसके अंदर। ऑल्सो कीप द पोटेटो चंकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आलू को मैश पोटेटो नहीं बनाना है, इसको चंकी, थोड़ा बीच में आलू आए, थोड़ा वो तड़के का चंकीपन आए, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट मेक इट अ पेस्ट। अक्सर हम लोग को ये टेंशन हो जाती है कि यार हमारा वड़ा पाव जो है उसमें आलू बहुत ढीला होता है, पानी पी जाता है, क्या करें। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बिल्कुल चुटकू सा फ्रेश ब्रेड क्रम्ब डाल सकते हैं,
या फिर ताज़ी ब्रेड को क्रम्बल करके मिक्स कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि इसके आप गोले बना के उसको फ्रिज में डाल सकते हैं। फ्रिज में डालेंगे तो वो अपनी शेप पकड़ लेगा और उसके बाद फिर आप अगर कोट करके फ्राई करेंगे तो आपको हैंडल करना ईजी हो जाएगा। अब देखो जी, मैं तो ऐसे ही डालने वाला था, लेकिन जिन्होंने खाना है ना, इन सब ने इन्हें बोला धनिया नहीं डालेंगे क्या? एक्चुअली डाल लीजिए धनिया, मेरा प्रिय मित्र है, मुझ पर बेवफाई का इल्ज़ाम लग जाएगा मुफ्त में। कहीं भी डाल दो ना धनिया को, कहीं भी डाल दो, एकदम पाउडर लाली लगा देता है। किसी भी डिश को लाली पाउडर लगाना हो तो धनिया डाल दो। धनिया जो है वो हर डिश का श्रृंगार है कि नहीं? देखो कैसे खिलखिला रही है अब नई नवेली दुल्हन, एकदम लाली पाउडर डाल के बैठी है टाइप्स। अब ये साइज श्रद्धा अनुसार, ऐसा नहीं है कि रणवीर ने इतना बनाया तो इतना ही बनाना है। जंबो बनाना है जंबो बना लो, मिनी बनाना है मिनी बना लो, रेगुलर बनाना है रेगुलर बना लो। ये थोड़ा रेगुलर टाइप का है, जंबो टाइप का है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा, ठीक है ना, ये जंबो टाइप का वड़ा पाव हो जाएगा। और मिनी मतलब अगर छोटे पाव हैं तो ये वो साइज़ का हो जाएगा। ये देखिए मिनी वड़ा पाव, रेगुलर वड़ा पाव और जंबो वड़ा पाव। तो जी बेसिकली वड़ा पाव में वड़ा का जुगाड़ हो गया, पाव रेडीमेड है। अब जो है इम्पॉर्टेंट चटनी रह गई साइड में, और ये जो सूखी लहसुन की चटनी होती है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और बड़ी ईजी भी। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि बाकी भारत में वो सूखी चटनी वाला कल्चर नहीं है, तो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है यार कि सूखी चटनी मतलब कैसे बनाते होंगे। और ईजी इसलिए कि इसमें पड़ती सिर्फ तीन चीज़ें, कोकोनट, लहसुन और मिर्च। कोकोनट को ना ड्राई करना है, ठीक है, मतलब रंग नहीं आना चाहिए, जितना कम रंग आए उतना अच्छा है, लेकिन धीरे 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 उसको ड्राई करना है। कपड़ा या ब्रश इस्तेमाल कर लें, धीरे धीरे लगे रहें उसके साथ। और साथ में ये जो लहसुन है ये विद स्किन चाहिए, छिलके के साथ। क्यों? क्योंकि अगर छिलके के साथ लहसुन नहीं होगा तो फिर आपको टेक्स्चर नहीं मिलेगा। डोंट वरी, बाद में कुछ नहीं पता चलेगा छिलके छुलके का सब। और तीसरा, मिर्च जो है वो रंग वाली लें, और अगर आपके पास रंग वाली मिर्च नहीं है तो इसके अंदर एक दो साबुत मिर्च डाल दें, बाद में फिर उसको देगी मिर्च पाउडर मिला के उसके अंदर आप रंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल धीमी आंच पे धीरे धीरे लगे रहना है कोकोनट के साथ। बेसिकली कोकोनट जो है उसकी अपने तेल में भुनाई होनी चाहिए, उससे फ्लेवर भी आएगा, टेक्स्चर भी आएगा, माउथफील भी आएगा, सब आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आपने नारियल को धीरे धीरे भूनने की बजाय कर दी जल्दी, तो आप बना जाएंगे लहसुन की चटनी, बन जाएगी जले नारियल की चटनी। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था जले हुए नारियल की चटनी बनानी। धीरे धीरे से पानी को सुखाना, धीरे धीरे से नारियल को चलाना और फिर मज़े से वड़ा पाव बनाना और सबको खिलाना। ये जी रंग वाली मिर्च है, डोंट गेट एक्साइटेड कि रणवीर ने ठोक के डाली है, हम भी ठोक के डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर बारिश का मौसम है तो मिर्च को तवे के ऊपर हल्का सा सेक लीजिएगा, या फिर लास्ट में मिर्च को थोड़ा सा गर्म तवे पे ऐसे हर इंग्रेडिएंट के साथ में सुखा लीजिएगा, ठीक है, वरना मिर्च जो अच्छे से पिसेगी नहीं, मज़ा नहीं आएगा। और मैंने कितने अच्छे समझाया, देखो कोई फालतू कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करी मैंने, पहले वड़े की क्लियर रेसिपी बताई, अभी चटनी की क्लियर बता रहा हूँ, इसके बाद फिर लगाएंगे हम अपनी दुकान, फिर आप बताना क्या चाहिए, चीज़ वड़ा पाव, सेजवान वड़ा पाव, क्लासिक वड़ा पाव, बूरे वाला वड़ा पाव, ऑप्शनल है। देखिए हींग क्या है ना, हाजमे के लिए अच्छी होती है, तो तली हुई चीज़ के साथ थोड़ा अजवाइन थोड़ा हींग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इज ऑल्सो गुड। ज़्यादा नहीं डाली मैंने, थोड़ी सी डाली बस। तो ये था जी पार्ट नंबर टू, हमारी सूखी चटनी जो कि अभी जाएगी मिक्सी में, और मिक्सी में पिस के मामला हो जाएगा रेडी, READY। आप सोच रहे होंगे रणवीर ने वड़े बनाए हैं 8 और बेसन ले लिया ऐसे किलो पक्का है, वो बेसन इसलिए लिया है कि बेसन का जो फ्राइड चूरा होता है ना, उसकी बड़ी चीज़ें बनती हैं, आपको भी पता होना चाहिए ना। नमक, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ी सी लाल मिर्च। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा डाला हुआ है इसलिए हल्दी नहीं डालूंगा मैं। अब एक कॉमन मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं कि इस बैटर को बहुत गाढ़ा बना लेते हैं, तो जितना आलू होता है फ्राई होने का उसके ऊपर उतना ही बेसन हो जाता है, और फिर जो है लोगों को पसंद नहीं आता, और आप मेरी तरफ देख के कहते हैं कि रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर हमेशा से बताता है बेसन का मतलब सिर्फ कोटिंग और बाइंडिंग है और कुछ नहीं है। अब किसी भी बेसन के घोल की तरह इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ दीजिए 10 मिनट और उसके बाद फ्राइंग की तैयारी कर लीजिए, हो गया मामला रेडी। ना ना ना, हरी चटनी मैंने बना के रखी हुई है, बहुत बेसिक है। कोथमीर यानी कि धनिया जो है उसमें ज़्यादा रहेगा, जिंजर रहेगी, पानी रहेगा, नमक रहेगा, ग्रीन चिली रहेगी, और थोड़ा सा अगर आप मिंट डालना चाहें डाल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। कोथमीर चटनी जो है उसको कहा जाता है इसलिए मिंट, वैसे अपनी धनिया पुदीने वाली चटनी नहीं बनानी नॉर्थ इंडियन स्टाइल, पतली कोथमीर चटनी बनानी है, ठीक है। और अगर चाहें तो थोड़ी सी शक्कर डाल सकते हैं चटनी के अंदर,
यहाँ पर मैंने थोड़ी सी नाम भर की शक्कर बैटर में भी डाली है, क्यों, शक्कर से ना थोड़ा क्रिस्पी होता है। और दूसरा हल्का सा मैं डालूंगा अब ऑयल, जब सब कुछ हो गया है ऑयल से भी फ्राई करने पे मामला क्रिस्पी होता है, लेकिन ऑयल कब डालना है, जब बैटर रेडी हो जाए। बस 2 चम्मच तेल, एकदम अगर क्रिस्पी वाला टेक्सचर चाहिए तो लास्ट में किसी भी बैटर में ऑयल डाल दें। हैक है ये, हैक आजकल बोलते ना, हैक, हमारे टाइम नुस्खे बोलते थे, आजकल हैक बोलते हैं। ये देखो ठंडा होके जम गया ना, फर्स्ट क्लास। अब कुछ नहीं करना है, उसको करना है फ्राई। दिस गोज इन टू द बैटर और हियर वी गो। अब यहां पर पतला इज द की वर्ड। अभी देखिए मेन चीज क्या है कि इसका बैटर यहीं पे दिख के समझ में आ रहा है कि पतला है, बाहर का बैटर पतला है। आलू के पैसे हैं, बेसन के पैसे नहीं है इसमें, इसलिए मोटा पकोड़ा नहीं बनाना। कई बार मैं देखता हूँ बड़ी सुंदर सी फोटो होती है, एकदम गोल गोल क्यूट क्यूट सा वड़ा होता है, उसके ऊपर इतनी मोटी बेसन की तय होती है, फिर वो तो फिर मोनोपोली नहीं हुई ना जी। दूसरा इसको आप चाहें तो पहले हाफ डन कर सकते हैं, बाद में दोबारा तल सकते हैं। और तीसरा कभी भी जो ये वड़ा पाव है एकदम गरम गरम खोलते खोलते वड़े के साथ नहीं होता, इसकी ब्यूटी वही है कि वड़ा जो है वो वार्म होना चाहिए, रूम टेम्परेचर भी चले, एकदम हॉट मुंह जलाने वाला वड़ा जो है उससे कभी टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए वड़े को तलने के बाद थोड़ी देर छोड़ दें, उसके फ्लेवर्स मैच्योर होंगे, फिर मज़ा आएगा। ये देखिए बैटर कितना पतला है कि बूंदी बना रहा है वो, ऐसे लंबे लंबे लच्छे नहीं बना रहा। ये जो चूरा है ना, मेरे को हर बार फैसिनेट करता है, घर पे भी जब पकोड़े तल रहे होते हैं ना तो पकोड़ों की लड़ाई अलग होती है, एक साइड में चूरे की लड़ाई चल रही होती है। और फिर आप लुधियाना चले जाएं, नैशविल चले जाएं, वहाँ पर जो फ्राइड चिकन है उसके लिए तो लड़ाई होती है, साथ में फ्रायर ट्रिमिंग्स जो है ना इनकी लड़ाई भी होती है। ये चूरे की जो ब्यूटी है ना वो इस चूरे की ही ब्यूटी है जी। बस तेल जो है वो गर्म रखना है, वरना ये चूरा जो है तेल पी जाएगा। आप बनाने जाएंगे चूरा पाव, बन जाएगा तेल वाला वड़ा पाव और आप खाएंगे, समझे आप, तेल फुल, ठीक है, क्योंकि जैसे आप चूरा डाल रहे हैं तेल ठंडा हो रहा है, तेल एकदम फुल ऑन, मजे का गर्म। अब ये जो चूरा है ना, इसका दूसरा फायदा क्या है, बहुत जगहों पे इसी चूरे को आपकी जो सूखी चटनी है ना उसमें यूज करते हैं, राइट। तो बेसिकली 70% हमें चटनी वाले इंग्रीडियंट्स लेने हैं, उसके अंदर 30% ये चूरा डालना है, फिर उसको मिक्सी में घुमाना है, चूरे से वो जो गार्लिक है उसका पानी और खींच लेगा वो, टेक्स्चर बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है जी। बहुत जगह सिर्फ चूरा और हींग और अपना लाल मिर्च पाउडर डालते हैं, बस चूरा हींग लाल मिर्च पाउडर लिया और उसको हल्का सा मिक्सी में घुमा दिया, वो भी मोनोपोली है एक। सब बता दिया मैंने, सब बता दिया। अब ये नहीं बोल सकता कोई, ये कोई पाकशाला रह गई है वड़े पाव की, कुछ और सीखना है अभी वड़े पाव के बारे में। अब एक काम जो मैं हर बार करना भूल जाता, इस बार भी भूल गया था, वापस तेल लेके आया हूँ मैं कि भैया ये तो भूल ही गए, वो है फ्राई मिर्च। हर बार ही बाद में भागता हूँ, तो मिर्च लेनी है जी, मिर्च में कट मार लेना है, कट नहीं मारेंगे तो फिर एक्सीडेंट हो सकता है, मिर्च तेल में जाके फट सकती है, आपके चोट लग सकती है और मुझे बड़ा दुख होगा, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। कट मार लें मिर्च के अंदर ताकि उसके अंदर का जो मॉइस्चर है उसको निकलने की जगह मिल जाए, पटाखा ना फटे। ये इसके ऊपर डाल दिया नमक, हेलो जी डन हो गया। अब चाहे तो सिंपल वड़ा पाव पार्टी ऐसे ही कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, लेकिन क्योंकि हम मॉडर्न मैन हैं, हमने पुरानी रेसिपीज़ में अपनी कारीगरी करके उनको कॉम्प्लिकेट कर दिया है, और आजकल ये कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज़ बहुत फेमस है जो आप मांगते हैं, जैसे चीज़ वड़ा पाव, मैक्सिकन वड़ा पाव, चाइनीज़ वड़ा पाव, सेजवान वड़ा पाव, चूरा पाव, वो तो खैर क्लासिक है, वो सब आज जो है डीमिस्टिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको वड़ा पाव की दुकान लगानी है तो ये सब आपको चाहिए, हरी चटनी, सूखे लहसुन की चटनी, तली हुई मिर्च, वड़ा पाव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा फेवरेट चूरा, ठीक है, और चूरे में कुछ उसी नहीं, चूरा ठोके। और इसके बाद अगर आपको मॉडर्न मैन वाली दुकान लगानी है तो थोड़ा मेयोनेज, थोड़ा चीज़, थोड़ा सेचुआन सॉस, ये सब डाल लीजिए। सबसे पहले मेरा सबसे फेवरेट वाला बनाएंगे, चूरा पाव।
यहाँ पर बस हाथ से पाव को खोलना है, ये देखिए हाथ से पाव को खोला, उसके बाद चटनी ली, चटनी लगाई, उसके बाद चूरा डाल दिया ठोक के भर लो जी चूरा। अब इसमें जो है कई जगह पे कच्चा प्याज भी डाला जाता है जूसीनेस के लिए, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। थोड़ी सी लहसुन की चटनी डाल लेते हैं। ये हो गया जी चूरा पाव, वड़ा पाव पार्टी का आइटम नंबर 1। वड़ा पाव नंबर 2, क्लासिक वड़ा पाव। जैसे कि हम सब जानते हैं, हाथ से खोलने की कोशिश करें, हाथ से खोलने की प्रैक्टिस करें। इसके बाद हरी चटनी, सूखी लहसुन की चटनी, वड़ा, तली हुई मिर्च और सूखी चटनी। और तो ये तो हो गया जी क्लासिक वड़ा पाव, वो जो मानसून में खाने में मजा आता है वो वाला। अब जी वड़ा पाव नंबर 3, जो आजकल बड़ा फैशन में, चीज वड़ा पाव। सेम स्टोरी, हरी चटनी, यहाँ पर आ गया मेयोनेज ठोक के, मेयोनेज के बाद आ गया अपना मेरी तरफ। क्या देख रहे हैं आप, मतलब खाते हैं लोग। और अगर थोड़ा कम लग रहा है ना तो कोई बात नहीं, अपने पास चीज बहुत है। मजाक लग रहा है ना आपको, अगर वड़ा पाव की दुकान खोलेंगे ये वाला डालिएगा सबसे ज्यादा चलेगा। हमको भी कई बार नहीं पता चलता कि लोगों को क्या पसंद है, लेकिन ये जो आइटम है ना ये पटाखा है, पटाखा। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेजवान वड़ा पाव। थोक के सेजवान सॉस डालना है पाव पे और एक की बजाय 2 तली मिर्ची डालनी है और डालना है वड़ा और कर देनी है दुकान बंद। ये हो गया जी सेजवान वड़ा पाव। कम लग रहा है ना थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ये लो। अभी एक और वड़ा पाव रह गया जो आजकल बड़ा फेमस हो रहा है, वो है जी वड़ा पाव बर्गर। तो पहले तो आपको वड़ा लेना है, उसको ऐसे फ्लैट करना है, देखिए ऐसे बर्गर की टिक्की टाइप आपने बना ली। उसके बाद मेयोनेज, अभी मुझे मत बोलिए कि ये मतलब ऑथेंटिक है कि नहीं है, ऑब्वियसली क्लियरली ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन ये लड़ाई ऑथेंटिसिटी की नहीं है ना, अभी अभी ये लड़ाई है टेस्ट की, तो इसलिए प्लीज़ डोंट जज मी राइट नाउ। आपने बोला वड़ा पाव पाकशाला एकदम चाहिए फुल ऑन, तो मैंने आपको दे दी वड़ा पाव पाकशाला फुल ऑन। अब ये मत पूछो क्यों रणवीर क्यों बना रहे हो, ये जो है कैसे का जवाब है कि रणवीर कैसे बनाना है ये सब, ठीक है। क्यों का मैं क्या जवाब दूं, अगर लोगों को पसंद है, बिक रहा है मार्केट में, लोग डिमांड कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो बना रहे हैं ना। कैसे का जवाब दिया मैंने, कैसे बनाएं उसका जवाब दिया मैंने, ये क्यों बनाना है इसको टेढ़ा मेढ़ा करके, उसका जवाब जनता दे चुकी है क्योंकि उनको पसंद है। आप इनको निहार लिए, जब तक मैं सफाइयां करता हूं और तैयारी करता हूं, पार्टी है ना वड़ा पाव पार्टी। बनना बहुत मजेगा। और वो वड़ा पाव पार्टी करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, दोस्तों को फोन कर दीजिए, फैमिली को बुला लीजिए, नीचे सोसाइटी में चले गए टेबल लगा लीजिए, मतलब नेकी और पूछ पूछ वाली बात है। बाकी रेसिपी आपको पता है और वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना वो क्या है ना कि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा, वीडियो आगे चला भी जाएगा, आप बनाने से वंचित रह जाएंगे और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। हाँ, रणवीर आपने बताया। भाई उधर मत देखो कैमरे में, भाई सब लोग कैमरे में देखने लग जाते हैं।